अगली दिखाना पड़ा उन्हें मुझे, तो आई थिंक वो टफ था, एक्शन किया तो बहुत मजा आया मुझे। मैं एक वॉरियर प्रिंसेस बनी हूँ। ये कैरेक्टर मेरे लिए टफ इसलिए था कि एक तो नो मेकअप पे मैंने शूट किया है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वॉरियर विद अ स्कार। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया क्योंकि नवंबर से बाहर हूँ और शूटिंग पूरा आउटडोर था इस बार, हिस्टोरिकल शो कर रही हूँ मैं, बहुत मजा आया। बट बॉम्बे से थोड़ा सा कट गई इतने टाइम से। मैं श्रृंगारिका मेरा शो आ रहा है जो हिस्टोरिकल है, मैं एक वॉरियर प्रिंसेस बनी हूँ, बहुत सारा एक्शन है, रोमांस है और बहुत ही मतलब मुझे लगता है मेरा वन ऑफ द बेस्ट और सबसे टफ कैरेक्टर है। डिफिकल्ट था शूट करना बट मजा आया। और इतने टाइम बॉम्बे से बाहर, ऑलमोस्ट 5 महीने से यहाँ पे नहीं हूँ, बट इट वॉज वर्थ इट। विशाल के साथ शूट करने में बहुत मजा आया मुझे, ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड आई थिंक हम दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। वो महाराज विश्वराज है और मैं राजकुमारी आभा, तो आई थिंक पीपल विल लव दिस। जी, ये कैरेक्टर मेरे लिए टफ इसलिए था कि एक तो नो मेकअप पे मैंने शूट किया है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वॉरियर विद अ स्कार, तो पूरे उसमें मेरे फेस पे स्कार है, मेकअप नहीं है, अगली दिखाना पड़ा उन्हें मुझे, तो आई थिंक वो टफ था, एक्शन किया तो बहुत मजा आया मुझे। आई थिंक अभी तो शूट खत्म हुआ है, डबिंग बची है, अराउंड जून आई थिंक जून तक हम लोग, आई लेट यू नो, आई शेयर द गुड न्यूज। जी, ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी मैं, और बाकी आप मुझे कह देना। चलिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, लव यू ऑल एंड आई एम वेटिंग टू मीट यू ऑल। अब तो फाइनली मुंबई में आ गई हूँ तो अब दिखती रहो। सी यू, थैंक यू।